हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल को कुकिंग शेवी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ क्लीनिंग टिप्स एंड किचन टिप्स। देखिए, ये अक्सर हमारी जो बाल्टियाँ होती हैं, मग वगैरह होते हैं बाथरूम के, वो वाइट पड़ जाते हैं और साफ़ नहीं होते, तो हमें उसके लिए एक न्यूज़पेपर पे हार्पिक डालना है। न्यूज़पेपर की मदद से और हार्पिक की मदद से हम उन्हें क्लीन करके दिखाएंगे आपको, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह का हो गया है। एक दो सेकंड बाद अब मैं इसे पेपर पे लगा लूँगी और अच्छे से बाल्टी को वॉश करूँगी। खूब अच्छे से मुझे वॉश करना है अंदर बाहर से। ये बिल्कुल वाइट हो चुकी है, देखिए। और अभी मैं आपको क्लीन करके दिखाऊँगी। ये इस तरह से ये मग्गा भी, ये देखिए, आपको बहुत ही आसानी से, अगर आप पॉलीथीन पहनना चाहते हैं तो आप पॉलीथीन पहन सकते हैं, नहीं तो न्यूज़पेपर पे इस तरह से आप लगा के इस तरह से आराम से अपनी बाल्टी को साफ़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आप भी इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी ये टिप्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। और इस तरह से हम अंदर से भी साफ़ कर लेंगे और बाहर से भी साफ़ कर लेंगे। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से पूरी क्लीन कर ली है। अभी मैं इसे पानी से वॉश कर दूँगी। वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत क्लीन हो जाएगी और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, जैसे ये क्लीन हो गई है, अब हम मग को भी साफ़ करके दिखाएंगे आपको। ऐसे ही सेम आपको ये भी साफ़ करना है। ये देखिए, ये भी एकदम क्लीन हो जाएगा और बहुत अच्छे से। ये एक तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छा क्लीनर है और हार्पिक तो है ही, आप सबको पता ही है। देखिए, ये कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। ये मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया है, इसको मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल न्यू की तरह। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर हम बीज धोते हैं खरबूजे के, और वो बहुत ज़्यादा देर लग जाती है और साफ़ नहीं होते, तो आपको क्या करना है, आप वन डे के लिए उनको किसी भी चीज़ में बॉक्स में उनको डाल के रख दें, और वो अच्छे से खूब फूल जाएंगे और फिर एकदम से साफ़ हो जाएंगे। इस तरह से ही क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे, बिल्कुल क्लीन होके ये निकलेंगे। ये देखिए, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और ये बिल्कुल क्लियर साफ़ हो चुके हैं। दूसरी टिप्स भी मेरी बीज को लेकर ही है। देखिए, बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। दूसरी टिप्स भी मेरी बीज को लेकर ही है। बीज को आप अगर फेंक देते हैं तो ये टिप्स आपके लिए है। ये बीज को आप पीस लें और पीस के इनका एक पेस्ट बना के और इनको निचोड़ लें अच्छे से चम्मच की मदद से, और इसको रख लें, और जब भी आप कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं उसमें ऐड कर दें। ये आपका काजू का पेस्ट का काम करेगी और बहुत स्वादिष्ट आपकी सब्ज़ी बन के रेडी होगी। ये देखिए, बहुत अच्छा सा ये पेस्ट बन के रेडी हो गया है और आप इसको रख सकते हैं। ज़्यादा पुराने बीजों का ना करें, जो जैसे न्यू होते हैं उसी का ही कर लें। और ये आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से ये निकाल लिया है और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी फ्रिज में, जब ज़रूरत हो तो आप इसे इस्तेमाल कर लें। तीसरी टिप्स है मेरी चटनी को लेके। ये चटनी बहुत फ़ायदेमंद है। ये ब्लड प्रेशर के लिए है, शुगर वालों के लिए है, हड्डी वालों, मजबूत हड्डियों के लिए है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए है। आप इस चटनी को बनाएं और सुबह जब भी आप खाना खाने के साथ एक चम्मच इसको ले लें। ये बहुत फ़ायदेमंद चटनी है। चलिए, इसको बना के दिखाती हूँ मैं आपको। इसके लिए मैंने पुदीना लिया है, 3 से 4 काली मिर्च लिए है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, काला नमक लिया है, 3 से 4 काली मिर्च ली है। अब इन सबको मैं जार में ऐड करूँगी और फिर इनको ग्राइंड करूँगी। आपको पुदीने के पत्ते फ्रेश लेने हैं और अच्छे से धो के वॉश करके रखना है। ये बहुत सारे बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद चटनी है। आप इसको बनाइए और इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत फ़र्क लगेगा। यूरिक एसिड के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैंने सब चीज़ इसमें ऐड कर ली है। आपको अभी पानी नहीं ऐड करना है,
आप इसको कंच के जार में भर के ऐड करके रख सकते हैं। रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस तरह से मैं पानी नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा सा इसे ग्राइंड करूँगी। पहले मैं इसको ग्राइंड कर लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये पीस के हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम एक कांच के जार में इसको ऐड कर लेंगे। आठ से दस दिन के लिए बहुत ऐड करके आप इसको रख सकते हैं। और जब भी आप खाना खाएं, एक स्पून इसको ले लें, ये बहुत फ़ायदेमंद सब चटनी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।